हेलो 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 गाइस, तो स्वागत है आपका डूम्सडे लास्ट सर्वाइवर्स में। तो गाइस चलिए चलते हैं फिर से मेमोरी ट्रिप की तरफ, क्योंकि वहाँ मचाना है धमाल, क्योंकि वहाँ के ज़ॉम्बी हो चुके हैं कमाल। भाई आ चुका है उनके पास दिमाग और वो मचा रहे हैं बवाल। तो चलिए गाइस, गेम शुरू करने से पहले जो गाइस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। ओके, तो फिलहाल अभी हमारी दो टीम है, अब हम अपने हेडक्वार्टर को धीरे धीरे गाइस अपग्रेड कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि जिस रीजन में हम लड़ाई कर रहे हैं और जिस रीजन में हमारा अलायंस है, वो रीजन आपको दिखता कैसा है, क्योंकि गाइस मैंने सारे मैप को अनलॉक कर लिया है। तो मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगा कितना बड़ा हमारा मैप है और उसमें कौन कौन से अलायंस है, भाई किसके किसके बीच भिड़ंत हो रही है इस टाइम, और मैं किसी अलायंस में ज्वाइन किया हूँ इस टाइम। तो चलिए, तो फिलहाल अभी हमारी यहाँ सेना भरी हुई है ज़ॉम्बी से, हम हैं सिटी के अंदर और ज़ॉम्बी ने यहाँ बैंड बजा रखी है अच्छी खासी सब्जी। गेम बहुत खास दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद आया, मतलब बाहर की ही गेम, वो भी फ्रेंड्स के साथ और अलायंस की टीम के साथ खेलने का मज़ा एक और ही है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक आपको अगर किसी गेम में बने रहना है तो इस टाइप की गेम ज़रूर खेलें। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपको बुरा लगता है कि हाँ बेकार है, सही नहीं बोल रहा है, ऐसे वैसे बेकार गेम प्ले है, तो कमेंट गाइस ज़रूर करें। ओके भाई, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे फिर से ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया, तो देखते हैं कि हम इनसे जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई इनकी शक्तियाँ अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। पहले कहाँ हम एक बार में ही ज़ॉम्बीज को निपटा दिया करते थे, अब तो ये इतना वक्त लेते हैं कि जैसे लगता है कि ओके, तो आ चुके हैं भाई साहब ज़ॉम्बी के लीडर, यहाँ बच चुका है इनका पाजा, तो चलिए चलते हैं आगे। लगता है फैक्ट्री साइड में, ना लगता है कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी में है हम, इंसानों का तो नामो निशान नहीं है फिलहाल आस पास। वैसे गाइस मुझे लगता है इस गेम में ऐसा होना चाहिए था कि जैसे अभी हम ज़ॉम्बीज़ लड़ रहे हैं और अचानक जो इधर कहीं छुपे हुए सिविलियंस हैं वो भी अचानक बाहर निकल के आके ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने लगते, उसके बाद वो हमारी टीम ज्वाइन कर लेते और जोर से चिल्लाते कितना मज़ा आता था गेम में, तब लगता जैसे एकदम रियल जैसे होता है लाइफ में, होना ऐसे ही चाहिए था, गेम का कसम से और मजा आ जाता, सिविलियंस को भी छोटे मोटे निकल के बाहर आना चाहिए था। और इधर तो फिलहाल को, ओ भाई ये ट्रेन यार्ड है ये, तो यहां मुझे लगता है काफी मशक्कत होने वाली है हमें। बूम, कुछ आइटम मिला, ओ वाओ, चलो इसे फटाक से, अबे ये कमाल है, हम इसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है ये कोल्डिंग टाइप का कुछ हमारे पास है जिसे हम कंज्यूम करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं कर रहा और पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल अगर हमें इसी में आगे बढ़ना है तो हम बढ़ते हैं आगे, हो सकता है कि हाफ हेल्थ खत्म हो जाने के बाद ही वर्क करें।
लेकिन ऐसा तो कोई सिस्टम फिलहाल नहीं होता। अब ये भाई लीडर भी खड़ा है इनका। Okay, so many materials, and you're only making fireworks? It's been my dream since childhood to make the biggest and prettiest fireworks. Oh, oh, oh. हमें मिला है फायरवर्क। सॉरी, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्यारी छोटी सी बच्ची कहती है कि बचपन में मेरा सपना था कि मैं ढेर सारे पटाखे उड़ाऊं आसमान में। तो चलिए इसकी ख्वाहिशों को करते हैं पूरा गाइस, और देखते हैं इस फ्रेमवर्क का जॉम्बी से क्या असर पड़ता है। ओके, ये हमने किया इस्तेमाल। और रे बाबा, हेल्थ इनकी देखो कैसे डाउन हो रही है, एकदम धपा धप धपा धप। ओके, तो मतलब दो तीन अगर हमारे पास फ्रेमवर्क होते, सॉरी 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 फायरवर्क, तो इनकी तो काम बच जाती है। तो हमारे एक ही मेंबर की तो बैंड बजने वाली है, इससे पहले अगर इसकी बैंड बज जाए ज़ॉम्बीज़ की तो ज़्यादा बेटर है। वो दिया विन। तो चलते हैं आगे। Hang in there, kid. लेकिन यहाँ गाइस, अब हमारे पास थ्री मेंबर्स के ऑप्शन आ चुके हैं, थ्री लीडर्स के एक्चुअली, सॉरी। तो चूज कर लेते हैं। और क्या बात है, पहले से ही फायरवर्क ऑप्शन मिल गया हमें। लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं भूल गया था एक्चुअली, मैंने आपसे बोला कि थ्री लीडर्स के ऑप्शन चूज करने हैं, लेकिन मैं फटाक से आगे बढ़ गया। ओके, तो यहाँ अब तीन हंसी वाली तैयार हुई, और एक फायरवर्क हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर आने वाले हैं मजे। लेकिन नगर फायरवर्क का पहले से ही ऑप्शन दे रखा है, और थ्री लीडर यूज करने का, तो आप समझ सकते हैं कि ये मिशन इतना खतरनाक है। ये देखिए, तीन तीन जोड़ी तो पहले ही आ गई, हमने तीन जोड़ी बनाई थी, इन्होंने तो पहले से ही अपनी तीन जोड़ियाँ बना रखी हैं, और आगे जाके किसी दूसरे मुलाकात होगी। ओके, तो डबल फायरवर्क्स, मतलब सिचुएशन बहुत खतरनाक है भाई। वो तो आगे बढ़ने पर ही नहीं पता चलेगा। ओ भाई, फिर से यहाँ तीन की टीम मिलेगी क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी अकेला ही है। पूरी बाबा, एक और है आगे रूट नीचे। अरे बाप रे बाप, तभी तो मैंने आपसे बोला था ना गाइस, सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इसीलिए इतने आइटम हमें मिल रहे हैं। लो, एक लीटर तो मर गया। देखते हैं कि विन कर पाते हैं कि नहीं हम। फिलहाल जो सिचुएशन है, सिचुएशन से तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है। हाफ हाफ फेल हो चुकी है हमारी, और अभी
इनका लीडर बचा ही है। दो फायर वर्क्स से अगर इसकी हेल्थ हाफ हो जाती है तब जीतने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। देखते हैं ट्राई करके आखिर। ओ भाई काम किया काम किया काम किया। तो चलिए गाइस लेवल 29 और हमारे बाबा ये क्या घेर के मारने की कोशिश हो रही है हमें चारों तरफ से यार। निकल लेते हैं भाई, पहले चलते हैं खोपचे में, उसके बाद निपटेंगे इनसे। ये भूतनी के तो पूरे लपेटने के चक्कर में पड़ गए हमें। अब दिखाते हैं तुम्हें कमाल और जादू। हरा थर लो फायर वर्क्स अबे बहुत सारे भाई बहुत सारे, पूरी की पूरी बटालियन है गाइस। धपा धप फायर वर्क झोंक देते हैं सारा, किसके ऊपर लगेगा किसके ऊपर नहीं ये बाहर से देखा जाएगा। बाबा रे बाबा, मुझे लगता है कि ज्यादा ही गुस्से में आ चुके थे गाइस। मैकफेडन हमारा लीडर तो फिलहाल लगता है बैड बाजी इसकी पहले ही इसके पहले इनकी बैंड बच जाएगी, ये तो कन्फर्म है। सिचुएशन बहुत ही गंभीर जाएगी यार, पूरी की पूरी टुकड़ी ने अचानक हमला कर दिया। अबे जा भाई जा भाई जा भाई जा भाई, ओके। अगर गाइस खोपचे में गए होते तो पक्का पक्का हम निपट गए होते। तो चलिए गाइस लास्ट लेवल इस वीडियो का। देखते हैं लेवल 30। ओह वाह, पहले से ही यहाँ फायर वर्क्स, वो भी बड़े वाले फायर वर्क्स रखे गए हैं। सड़क से एकदम कच्चे में पैक खाके बीत वक्त ये देखिए। मतलब फायर वर्क का मुझे लगता है गाइस यहाँ पर वो कंडीशन है, जैसे ही ये पटाखे फूटते हैं ना, मुझे लगता है जॉम्बीज आसमान की तरफ देखने लगते होंगे और उसमें धड़ाधड़ उनके पिछवाड़े में जिनकी छातियाँ से हमें गोली देनी होती होंगी, उसमें हमारे हीरो उनको गोलियाँ दे चुके होते हैं। मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं ये कि एनिमी से लड़ने की ऊपर सितारे ये देखें चमकते हुए। अबे बड़ा वाला रखा है बहुत सारे हैं क्या, लीडर भी है अभी, ये तीन खुदकों के बाद लीडर भी है। तो चलिए पहले उनसे, अब लीडर भी आ गया यार, चलो निपट लेते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। ये फायर वर्क का बटन के सामने ये जॉम्बी का सड़ा हुआ चेहरा कहाँ से आ गया, अरे हाथ ना मुझे फायर वर्क को चालू करने दे। Oh, I prefer it in flesh and blood when you fall from the sky. प्यारी थी खुद की बच्ची ने पहली बार इतना बड़ा वाला इतना जबरदस्त दमदार शानदार फायर वर्क देखा है। हाँ ये हीरो तो हमारा निपट गया, निपट गई है।
don't you stay? We have lots of interesting things here. I'm sorry, but we have important things to do. I won't be staying. Okay, तो चलिए अभी हमारा हुआ मिशन कंप्लीट गाइस। तो आए हैं बहुत मजे। तो चलिए गाइस थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेमोरी ट्रिप के ऑप्शन में। जैसा मैंने कहा था आपको, मैं दिखाऊंगा अलायंस की दुनिया अपनी। तो चलिए गाइस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।